नमस्ते साहब। आज किसानों के लिए और नई टेक्निक आप बनाया ना, मिट्टी और अरंडी तेल से वो बनाया ना, वो ब्रिंजाल में, वीट में, पैडी में आप तो यूज़ करें, इस बारे में किसान लोगों को आप बताएं तो आप अपन लोगों को भी फायदा रहेगा सर। ठीक है। अभी देखिए, ये अरंडी तेल है ना, ये सबसॉइल से, मैं इसका वीडियो भी बताया था इससे पहले, वीडियो करके भी दिखाया। ये एक 10 किलो मिट्टी में आधा किलो तेल, अरंडी या लेव, नीम का वन देव, और करंजा का भी, और सरसों का, और मीठा तेल, मूंगफली का तेल, कोई भी तेल होने दो। ये तेल मिलाने से क्या हो रहा है, ये कीटों का प्रकोप कम हो रहा है, कम हो, बिल्कुल बंद हो रहा है। इसमें बार बार मिट्टी का स्प्रे करने का, रस चूसने के लिए भी ये करने का नहीं हो रहा है। मैं अभी 1 साल से देख रहा हूँ ये टमाटर में और बैंगन में, और मिर्ची में भी, अभी उसमें भी शुरू करना ये यूज़ करके। ये सिर्फ मिला के पेड़ों के जड़ों के पास ही देना है। एक 10 किलो मिट्टी में आधा किलो तेल अच्छा मिलाना, कोई सा भी तेल होने दो, तो इसका फायदा बहुत बढ़िया। ये टिलरिंग पुटाव ज़्यादा आ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहे, ग्रोथ बढ़ना बोले तो टॉप सबसॉइल स्प्रे करे तो भी ग्रोथ बढ़ेगा। अगर कीटों का प्रकोप नहीं तो आधा टॉप सॉइल, आधा 15 किलो टॉप सॉइल, 15 किलो सबसॉइल भी लेना फसलों में। ये जड़ के पास देने से कोई कीड़ों का रस चूसने का और कोई कीटों का प्रभाव नहीं दिख रहा है, प्रकोप होने दो वो नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। इसलिए ये यूज़ करने से बहुत फायदेमंद, ग्रो वर्क भी, अभी किसानों की भी बार बार स्प्रे छिड़काव करने का ज़रूरत नहीं है। ये 15 दिन को एक बार थोड़ा 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 मात्रा में जड़ के पास डाले तो ये NPK जैसा, खाद के जैसा भी आ रहा है। और ये तेल में क्या रहता है कि सबसॉइल तेल को पकड़ के रहता, उसमें जड़ भी घुसता, छोटा छोटा जड़ घुस के ये तेल वो पत्तों पे जाने से कीटों को मेरा ख्याल में ये पसंद नहीं आ रहा होगा। इसलिए कीड़ों का माँ ही अंडा नहीं दे रही और वहाँ कोई भी कीड़े नहीं दिखाई दे रहे, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं तो ये इतना बैगन में तो देख लिया, बैगन में ज़्यादा से ज़्यादा ये कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा रहेगा, ये फल काटने का, ये फल में सुराख लगा के अंदर जाने का, सब ये बंद हो गए। एक एक बैगन भी इसको पीड़ित से ये कीटनाशक का प्रकोप का नहीं है, एक पेड़ भी नहीं ऐसा कर रहे से, तो ये बहुत बढ़िया अच्छा है। और पत्ते भी थोड़ा मोटापन में अच्छा आ रहा है, वो फल भी, बैंगन भी बहुत चमकदारी दिखाई दे रहे, ऐसा चमक रहे देखने से, वहाँ से मुंह दिखने का ऐसा वो, तो ये बहुत बढ़िया है। इसको सब किसानों यूज़ करे तो रिजल्ट और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सब ये यही मिर्ची में भी यूज़ कर सकते, मिर्ची में जड़ के पास, और होना बोल तो कभी कभी ये चीटना ऊपर से पानी में मिलाना ही, अभी चीटे तो हाथ से चीटे तो ऊपर चीटे तो भी रिजल्ट मिलेगा, अगर ऊपर चीटने के बदले में जड़ के पास दिए तो भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है, ये भी देखा जाएंगे। अभी बारिश का मौसम में कैसा रहता है इसका प्रकोप, यही मिर्ची और कॉटन ये खाद
कपास के फसलों में भी यूज़ करना, ये सब फसलों में यूज़ करके अपन थोड़ा ये करेंगे। गन्ना हाँ, गन्ने में भी यूज़ कर सकते हैं अदरक। ये गन्ने में, गन्ने के फसल में भी टॉप सॉइल सब सॉइल स्प्रे करना, और ये जड़ के पास ये दिए तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और अदरक के फसल में भी ऐसे रिजल्ट आएगा, और हल्दी में भी ऐसी इस प्रकार की करे तो, ये जड़ के पास दिए तो बहुत बढ़िया आएगा। सब फसलों में एक ही नहीं, ये तो सब फसलों में यूज़ कर सकते हैं तेल का, कौन सा भी तेल होने दो, सूखी मिट्टी रहना, सूखी मिट्टी रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो डोसेज कितना है? डोसेज 10 किलो में आधा किलो मिलो, कितना भी, अभी एक एकड़ का आप ही नक्की कर लेना कि कितना पौधा का साइज कितना है, बड़ा फसल को थोड़ा ज़्यादा देना, छोटा फसल को कम देना, ये किसानों ही नक्की कर, ये एस्टिमेट करके डालना। ड्रिप में दे सकते हैं? नहीं, ड्रिप में नहीं यूज़ कर सकते इसको, ड्रिपर जाम होता। ड्रिप के अलावा छींट सकते तुम, हाथ से छींट सकते जैसा यूरिया डालते ऐसा, और इसमें जड़ के पास सब्जियों में, सब कुछ फसलों में जड़ के पास भी दे सकते। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।